नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 होने वाला, मतलब कि 40 होने वाला है। तो इसमें हम बात करेंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस एक हमारा प्रैक्टिस सेट होगा, मतलब एक आपको होमवर्क के तौर पे हम देंगे, वह टॉनिक होगा। तो जो 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चनों को हम सोल्यूशन यहाँ पर कराएंगे, और बाकी जो है आपको 15 क्वेश्चनों को आपको भी सोल्यूशन करना है। तो इसका जो सोल्यूशन है, आपको कापी कलम लेकर बैठ जाना है। तो बाकी आपको पहले अपना खुद से सोल्यूशन करना है, उसके बाद आप हमारा सोल्यूशन देखिएगा। तो जो है आप देखिएगा हमारे में कमी कहाँ पर आ रही है, तभी आप प्रैक्टिस सेट लगाने का मतलब समझेंगे। बाकी कोई प्रैक्टिस सेट लगाने का मतलब नहीं है, आप हम ऐसे पढ़ाते रहेंगे, आपको वीडियो को देख लेंगे, बाकी कोई मतलब होने वाला नहीं है। हम पढ़ा देंगे और आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो आपके समझ में तब आएगा जब आप इसको आप खुद से लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे दिया गया प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो संबंधित संख्या क्या है, अगर 2 से हमको 12 बनाना है तो 144 कैसे बनेगा, 2592 कैसे बनेगा। तो 25 बनने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आने वाला है इन चारों ऑप्शनों में से। तो चलते हैं फ्रेंड, देखते हैं इसका सलूशन। तो सलूशन देखने के लिए पहले बात करते हैं, अगर आप रेलवे, बैंक, SSC, SSC CGL, SSC GD, MTS, SSC CSSL, ITBP, SSB, BDO, CPU, अग्निवीर, ALP टेक्नीशियन, UP SSC PET, CRPF, आर्मी, नेवी, सीटेट, UP BEd, बैंक PO, ग्रुप डी, एयरफोर्स, CDS, NTPC, RPF, UP पुलिस, दरोगा, IB, SSC स्टेनोग्राफर, या स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें तो रीजनिंग जरूर पूछी जाती है। रीजनिंग जरूर पूछी जाएगी, उसमें जो है यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, और देरी न करते हुए प्रश्न की ओर। जो प्रश्न दिया गया है, दी गई प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब बताना है। तो जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है फ्रेंड्स। तो जल प्रतिबिंब ज्ञात करने के, जल प्रतिबिंब मतलब नीचे को हम यहाँ पर दर्पण रख देंगे। जल प्रतिबिंब नीचे ही बनता है, तो यहाँ पर हम जल प्रतिबिंब को, दर्पण को नीचे रख देंगे। तो जैसे दर्पण को नीचे रखते हैं फ्रेंड जल प्रतिबिंब को, तो वहाँ पर इसका क्या होगा, इसका लेफ्ट और राइट नहीं चेंज होगा। जो लेफ्ट में है वह लेफ्ट में ही रहेगा, ना कि वह राइट में भाग जाएगा। तो राइट में भाग नहीं आएगा, इसलिए फ्रेंड बात करते हैं जिसमें लेफ्ट लेफ्ट है वह तो बिल्कुल, मतलब जिसमें इसका लेफ्ट राइट चेंज किया गया वह तो इसको बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें क्या चेंज करना है, इसका टॉप और बॉटम चेंज करना है, तो लेफ्ट चेंज करना है। तो फ्रेंड्स, यह ऐसे ही आ रहा है, तो यह भी गलत इसमें चेंज कर दिया गया है, और इसमें भी चेंज कर दिया गया, तो यह दोनों तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएंगे, या दोनों ऑप्शन बिल्कुल ही गलत जवाब निकल के आ जाएगा। तो अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर इसमें बात करते हैं इसमें त्रिभुज की, तो त्रिभुज तो इसमें ऐसे ही दिया गया, मतलब कि इसमें त्रिभुज को क्या है, इसमें त्रिभुज को हम कहेंगे ऊपर क्यों दिया गया, हाँ या ऐसे हो जाएगा, ऐसे दिया गया, और इधर में क्या है, इधर में ऐसे नीचे की ओर दिया गया। अगर बात करते हैं यहाँ से, त्रिभुज भी सेम है। अगर गोले की बात करते हैं फ्रेंड, गोला कैसे दिया गया फ्रेंड, गोले में बात करते हैं, तो गोला में क्या है, ऊपर की ओर सादा है, तो जो आएगा संपर्क में वह संपर्क में क्या है, ऊपर की ओर क्या आएगा, आपकी बार ऊपर की ओर रंगीन आएगा, ऊपर की ओर क्या आएगा, रंगीन आएगा, और सादा जो है वह नीचे की ओर आएगा, क्योंकि जो जिससे सटा है वह उसके संपर्क में आएगा, तो ऊपर की ओर रंगीन आएगा। तो यह इसमें दिख रहा है, मगर इसमें ऊपर की ओर सादा दिख रहा है, तो हम कहेंगे या तो गलत हो जाएगा। तो जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और आपने अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हम जैसे लेटेस्ट वीडियो अपलोड करने पर आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, दी गई प्रश्न आकृति में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया है, पूछा गया इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है। हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, यह सब किसी ना किसी का वर्ग दिया गया है, यह सब क्या है फ्रेंड्स, वर्ग दिया गया है। अगर बात करते हैं यहाँ से 8 की, तो 8 81 वर्ग होता है फ्रेंड्स 9 का, और 4 वर्ग होता है 2 का, और 36 वर्ग होता है 6 का। अगर हम गुणा करेंगे 9 दूनी 18 छक्का 108, 18 छक्का अगर हम सबको आपस में गुणा कर देंगे फ्रेंड्स, तो 9 दूनी 18 छक्का 108 यहाँ पर लिखा गया है। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं इसका, तो यहाँ पर दिया गया फ्रेंड्स, बात करेंगे 64 का, तो 64 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो 64 किसका वर्ग है फ्रेंड्स, तो हम कहेंगे 64 है 8 अठाई 64, और 9 है 3 का, और 16 है फ्रेंड्स 4 का वर्ग है। अगर 8 3 24 चौका 4 3 12 12 8 96 निकल के आएगा, 12 8
छियानवे अगर हम सबको आपस में गुणा करते हैं तो छियानवे यहाँ पर लिखा गया है, तो छियानवे इसका हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो चार चौक सोलह, सात सत्तर उनचास, पचहम पच्चीस, पाँच चौक बीस, अगर हम गुणा करते हैं इन सभी को तो पाँच चौक बीस सत्ते, तो पाँच चौक बीस, सात दूनी चौदह, 140 निकल के आ जाएगा। कितना निकल गया फ्रेंड्स? 140 निकल के आ जाएगा। तो 140 इसका सही जवाब निकल के आएगा, तो 140 के हिसाब से दिए गए हम कहेंगे 140 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही जवाब आता है, तुरंत हम भागते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे प्रातः 6:30 बजे, प्रातः 6:42 पर प्रातः कहा गया है 6:42 पर, प्रातः 6:42 पर वह दिया गया 6:42 पर दिया गया है घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई के बीच बने न्यून कोण का मान कितना आएगा? कितने बजे का? 6:42 पर घड़ी और घंटे मतलब कि घंटे मतलब मिनट और घड़ी की मिनट की सुई के बीच का न्यून कोण क्या मान निकल के आएगा? इसका मान क्या निकल के आने वाला है? अगर हम बात करते हैं 6:42, 6:42 क्या होता है फ्रेंड? अगर हम इसका बात करते हैं कुछ, इसका जो थीटा का फार्मूला होता है, थीटा बराबर होता है 30h - 11/2m, तो यहाँ पर मॉडुलस लगा रहता है। मॉडुलस मतलब इसका मान कभी भी थीटा का मान जीरो मतलब माइनस में नहीं आता है। थीटा का मान जीरो हो सकता है मगर माइनस नहीं हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर और एक फार्मूला आपने और पढ़ा होगा, इसी फार्मूला को सेम तरीके से अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 60h - 11m बटे दो। यहाँ पर हमने भाग कर दिया 60 से, 30 आ गया, तो वही सेम यहाँ पर भी फार्मूला है। तो इसमें हम लगा देंगे h बराबर दिया गया फ्रेंड 6 घंटे दिया गया है, 6:30 - 11/2 यम के दरी पर पाया गया 42, तो यहाँ से आ जाएगा 21 दुना 42 आएगा, 6×3=18 180 आ जाएगा। 180 माइनस करेंगे तो यहाँ से अगर 21×11 करते हैं फ्रेंड्स, तो 11 में किसी पद का हम गुणा करेंगे तो क्या होगा? पहला अंतिम वाले पद को ऐसे लिख देंगे और दो को एक से गुणा कर देंगे, 2×9=2 आ जाएगा और 2 आगे हो जाएगा 221 - 180। 221 अगर हम 80 घटाते हैं फ्रेंड्स इसमें से, 180 घटाएंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 20 उधर है और 21 इधर है, तो 41 निकल के आ जाएगा। कितना फ्रेंड्स निकल के आएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हम कहेंगे 41 2×9=2 आ गया और 2×1 आ गया फ्रेंड्स 3, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा। 231 में से अगर हम 180 को घटाते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर 51 आ जाएगा, 51 और यहाँ पर माइनस में आएगा 51, तो यहाँ पर मॉडुलस लगा हुआ है। क्या लगा फ्रेंड्स? मॉडुलस लगा हुआ है, तो इसलिए इसका मान 51° निकल के आ जाएगा। तो 51° किस ऑप्शन में दिख रहा है फ्रेंड्स? तो हम कहेंगे 51° ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है मित्रों, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम बनाओ। तो सार्थक क्रम बनाना है कि इसका सार्थक क्रम कैसे बनेगा? तो पहले जन्म होता है बेबी का, बेबी का क्या होता है फ्रेंड? पहले हम कहेंगे पहले जन्म होगा, तो जन्म के बाद पहले जन्म होता है, पहले जन्म होता है, जन्म के बाद फ्रेंड्स हम कहेंगे वह शिशु अवस्था में आता है, पहले जन्म होता है उसके बाद वह शिशु अवस्था में आएगा, शिशु अवस्था में आने के बाद हम कहेंगे वह इसमें से पहले, तो उसके बाद बाल्यावस्था में आएगा, किसमें आएगा? बाल्यावस्था मतलब 3 में आएगा। तब उसके बाद कहेंगे वह अब तो किशोर हो गया है, अब वह जवान हो गया मतलब कि 5 वाला है, पहले उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद फ्रेंड हम कहेंगे 1, 3 फिर 5 वाला आ जाएगा, 5 वाला आ जाएगा, 5 आएगा, फिर उसके बाद कहेंगे वह प्रौढ़ हो चुका है मतलब कि वह किशोरावस्था को पार करके प्रौढ़ावस्था में जा चुका है मतलब कि 6 हो गया है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर वह वृद्ध हो गया है, वह वृद्ध हो, अब उसके बाद क्या होगा? वृद्ध होगा 7 होगा, फिर अंत में क्या हो जाएगी? उसकी मृत्यु हो जाएगी, मृत मतलब 2। 143, 56, 56 और 72 यह ऑप्शन नंबर दिख रहा है फ्रेंड बी में, तो बी ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है फ्रेंड, तुरंत हम भागते हैं यहाँ से नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकती है। तो क्वेश्चन मार्क का स्थान कौन सी संख्या ले सकती है, मतलब कि क्या यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रख दें जिससे यह जो है चित्र जो है इसका सही रूप हो जाएगा। तो अगर बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से स्टार का पोजीशन देखते हैं, यहाँ से यहाँ कर दिया गया है, स्टार का पोजीशन यहाँ कर दिया गया और इसमें आपकी बात करते हैं फिर यहाँ पर कर दिया गया है, यहाँ पर हो गया। आपकी बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा।
अब देख रहे हैं स्टेटर का पोजिशन, फिर यहाँ पर अब की बार जो है स्टेटर का पोजिशन वह यहाँ पर आने वाला है, इस जगह पर स्टिकर आने वाला, जो स्टार आने वाला है वह यहाँ पर आने वाला है। तो स्टार यहाँ पर दिख ना इसमें दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है, और ना ही इसमें दिख रहा है फ्रेंड्स, और इसमें दिख रहा है सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो स्टार यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो स्टार यहाँ पर किस में दिख, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जब एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो हम कहेंगे वही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही सही जवाब आता है फ्रेंड, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, यह है इसको हमको भरना है, इस यहाँ पर रिपीटेड सीरीज का प्रश्न है। किसका प्रश्न है फ्रेंड्स? तो यह रिपीटेड हम कहेंगे सीरीज का प्रश्न होने वाला है। तो रिपीटेड सीरीज के प्रश्न में पहले इसको हम अंकों को गिन लेते हैं। तो इसमें कितने पद हैं, हम कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। इसमें कुल मिलाकर फ्रेंड्स 24 पद हैं। तो 24 पद को कैसे बनाएगा, 8 × 3 से बनाएगा या 6 × 4 से बनाएगा, 6 × 4 से बनाएगा। पहले हम इसको बनाते हैं फ्रेंड्स, 6-6 का पेयर, कितने का पेयर बनाते हैं फ्रेंड्स? तो इसमें हम बनाएंगे 6-6 का पेयर बनाएंगे, 6-6 का पेयर, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ से 6 हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ से फिर बनाएंगे 6 का पेयर, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, 6 यहाँ पर भी हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, 6 यहाँ पर भी हो गया। तो यहाँ से बात करते हैं फ्रेंड्स, डबल ए आ रहा है तो डबल ए यहाँ पर भी आएगा, डबल ए यहाँ पर भी आएगा और डबल ए यहाँ पर भी आएगा, डबल ए फिर यहाँ पर भी आने वाला है। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से डी आएगा और यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर सी है तो यहाँ पर डी है, डी है यहाँ पर और यहाँ पर सी डी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा और यहाँ पर सी आ जाएगा, और डी है ई है तो यहाँ पर ई होने वाला है, यहाँ पर भी ई आ जाएगा और इधर ए सी डी ई आ जाएगा। तो हमने क्या क्या भरा है, हमने भरा सी ई को और ए डी को, सी ई ए डी, सी ई, सी ई ए डी, सी ई ए डी, तो ना इसमें दिख रहा है सी ई ए डी, सिर्फ एक ही में दिख रहा है सी ई ए डी, ऑप्शन नंबर सी में। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, सी ई ए डी, उसके बाद आएगा ए सी, ए सी ई, ए ई, ए सी ई, ए ई, तो यह दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही जवाब निकल के आने वाला है। जैसे ही ऑप्शन नंबर सी सही आता है मित्रों, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट को, यहाँ पर यफ भी आने वाला है, यहाँ पर यफ भी आने वाला है, डी के बाद क्या आएगा, यफ भी आने वाला है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही जवाब निकल के आया, जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है तुरंत भागते हैं मित्रों नेक्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट दिया गया है वह है या फ्रेंड्स है डायरेक्शन का प्रश्न होने वाला। जैसे दिया गया, अनीता अपने घर से प्रारंभ करके दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलती है, अपने घर से वह प्रारंभ कर रही है तो वह दक्षिण की ओर, दक्षिण नीचे होता है तो इसका घर यहाँ पर है, तो इसका घर यहाँ पर, दक्षिण को 6 किलोमीटर जा रही है, साइकिल चलाती है और फिर बाएं मुड़कर, फिर अब बाएं मुड़ जाती है, बाएं मतलब कि बाएं मुड़ जाती है, बाएं मुड़ गई और 8 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है, 8 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है, फिर वह फिर बाएं मुड़ती है, अगर वह फिर क्या मुड़ती है फ्रेंड, वह फिर बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ गई और बताया गया है कि अपने स्कूल पहुँचने के लिए वह 1 किलोमीटर तक दूरी तय करती है। अभी इस दूरी को हमको नहीं पता है, पता है 1 किलोमीटर है, ये कितना दिया गया, 1 किलोमीटर दिया गया है। तो बिंदु ए से, बिंदु ए उसके स्कूल के पश्चिम में है, बिंदु ए जो है ये यहाँ पर है तो उसके स्कूल के पश्चिम में देखते हैं तो इसका स्कूल यहाँ पर है स्कूल, और इसके स्कूल के पश्चिम में, पश्चिम इधर आएगा, पश्चिम इधर आएगा, तो इसके स्कूल के पश्चिम में जो है बिंदु ए है, ए हो जाएगा। तो बताया गया है और साथ ही उसके घर से उत्तर में 3 किलोमीटर है, उसके घर, घर उसका यहाँ पर है, उसके घर से उत्तर में, उत्तर में उधर जाएगा तो 3 किलोमीटर है। तो दूरी x का मान क्या आ जाएगा, दूरी x का, जो x का मान आएगा वह 6 और 3 के बराबर आएगा, 6 और 3 = 9 के बराबर निकल के आ जाएगा। तो दूरी कितनी आएगी फ्रेंड्स, 9 किलोमीटर निकल के आ जाएगी। तो 9 किलोमीटर के साथ ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर सी सही आता है मित्रों, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स वह दिया गया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वह दिया गया फ्रेंड्स, अगर 2 से 12 में जाना है, हमको 2 से 12 में जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम कहेंगे गुड़े में 6 करना पड़ेगा,
गुड़े छः हो जाएगा, छः दूनी बारह। अगर 12 से 144 में जाना है तो 12 बराबर 144 गुड़े 12 हो जाएगा। अगर 144 से हमको 25 92 में जाना है, 25 92 में जाना है फ्रेंड्स, हम कहेंगे गुड़े 18 किया गया है। क्या किया गया? गुड़े 18 किया गया है। अगर 18 आगे क्या गुड़ा हो जाएगा, हम कहेंगे 6 दूनी 12 और 6 तरीक 18 6 तरीक 18 6 24। अब की बात 24 से गुड़ा होगा। अगर हम 24 से गुड़ा करते हैं फ्रेंड्स तो आएगा अंत में 8 8 8, तो सब में दिख रहा है 8 8, तो सब में दिख रहा है। अगर 2 डिजिट में भी सब में सेम दिख रहा है, दोनों में सेम दिख रहा है, एक में भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर डी में यह गलत हो जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सब में 0 0 दिख रहा है। सब में क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, 0 0 ही दिख रहा है। अगर हम गुणा करेंगे 25 92 को 24 से 25 92 गुणे 24 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर 4 2 8 आएगा, 4 2 8 9 4 36 और 25 5 4 20 5 4 20 3 23 5 4 20 3 23 और 4 2 8 और 2 10 10 हो जाएगा गुड़े, यहाँ पर 2 2 4 9 2 18 5 2 10 और 2 2 5 2 10 1 11 2 2 4 1 5 5, तो यहाँ पर जोड़ते हैं 8 आएगा, 6 4 10 आएगा, 8 3 11 और 1 12 के 2 12 के 2, तो यहाँ पर आ जाएगा। देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 ही सेम आ रहा, मतलब कि यहाँ पर 1 में ही आ रहा है 208 अंत में, तो 208 यहाँ पर जब गुणा करें हैं तो यहाँ से जोड़ भी लेंगे, तो 8 3 11 2 1 3 2 2, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 1 1 2 निकल जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर 1 है 5 1 6 निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 62 208, तो 62 208 ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैसे दिया गया प्लस का आशय जो है या मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न होने वाला है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का अर्थ है क्या दिया गया, प्लस का आशय क्या है, प्लस को हम बता देंगे माइनस से, और माइनस का आशय है क्रॉस से, और क्रॉस का आशय जो है वह डिवाइड से है, डिवाइड से हो जाएगा, और डिवाइड का जो आशय है वह प्लस से हो जाएगा, डिवाइड का आशय क्या जाएगा प्लस से हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ दिया गया है माइनस वहाँ वहाँ हम लगा देंगे क्रॉस, यहाँ पर माइनस है क्रॉस लगा, क्रॉस का क्या हो जाएगा, क्रॉस का हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद जहाँ पर प्लस है, प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्रॉस है जहाँ पर वहाँ पर प्लस हो जाएगा। अगर सबसे पहले सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या जाएगा भाग आता है, तो 12 को अगर हम भाग करेंगे यहाँ से 24 24 गुणे 20 बटे 12, तो 12 2 24 निकल, 12 2 24, तो 20 2 40 40 माइनस 18 और प्लस का 5, तो 40 5 45 45 माइनस 18, तो 45 माइनस 18 कहेंगे 27 7 आएगा, तो 7 आएगा यहाँ पर फ्रेंड्स, और यहाँ पर बच गया है 3 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, तो 27 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो 27 किस ऑप्शन में दिख रहा है फ्रेंड्स, तो हम कहेंगे 27 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है मित्रों, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है वह है, उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो सर्वोत्तम रूप से कौन दर्शाएगा, जैसे दिया गया पुरुष, पिता, डॉक्टर, जो सभी पुरुष होते हैं, हम कहेंगे पिता जो होते हैं, सभी पिता जो होते हैं वह पुरुष ही होते हैं, क्या होते हैं फ्रेंड, पुरुष ही होते हैं, ना कि कोई महिला पुरुष होती है, वह तो नहीं हो जाएगा ना, पिता महिला जो होती है माता होती है, तो कहेंगे जो सभी पिता हैं वह पुरुष होते हैं, तो पिता, कुछ पिता भी डॉक्टर हो जाएंगे और कुछ पुरुष भी डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ पुरुष भी डॉक्टर हो सकते हैं क्या, होगे ही 100% होंगे। तो हम कहेंगे क्या सही है इसमें, तो यह इस प्रकार से बनेगा इसका आगे, तो यह किस में बन रहा है फ्रेंड्स, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है सेम टू सेम वैसे आकृत, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मोड़े गए कागज को काटने का तरीका नीचे दर्शाया गया है, उस आकृति का चयन करें जो कागज को खोलने पर उसके खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती है, अगर बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कैसा दिखा है क्वेश्चन, तो इसको हम हेडलाइट कुछ कर देते हैं, हेडलाइट में कुछ इसको हम लाइटर कर देते हैं, लाइटर का यूज करके कुछ चटक कर देते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, या और यहाँ पर भी दिया गया है, या इस प्रकार से दिया गया है,
यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। तो यह कैसे दिखेगा, हम कहेंगे यह सेम टू सेम ऊपर की ओर आगे जाएगा, या ऊपर की ओर जाएगा तिरछा में। और उसके बाद कहाँ आ गए, यहाँ पर पहले इसको इधर मोड़ते हैं। इधर मोड़ने पर यहाँ पर दोनों के हाथ छोट छोट आपस में आने वाले हैं, दोनों के हाथ छोट छोट जो है वह आपस में नज़दीक आने वाले हैं, और जो बड़ा वाला है वह यहाँ पर निकल के आ जाएगा, या इस प्रकार से और इस प्रकार से आ जाएगा। और बड़ा वाला क्या है, बड़ा वाला अंत में आएगा। यहाँ पर बड़ा वाला आने वाला है, तो ऐसे अगर खोल देंगे तो यहाँ सेम टू सेम इधर छोटा वाला है, तो छोटा वाला देख रहे हैं, यहाँ पर भी है छोटा वाला है और यहाँ पर भी है छोटा वाला। मगर जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी बड़ा वाला है, बड़ा वाला भी है, और नीचे क्या है, नीचे एक पाई खींचा गया, नीचे ऐसे एक पाई खींचा गया है, नीचे एक पाई खींच दिया गया है इसी सेम टू सेम। तो यहाँ सेम टू सेम ऐसे इसमें दिख रहा है। हम कहेंगे यह ऊपर देखने पर इधर जो है बड़ा छोटा हो गया है, तो यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर हम बी की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं फ्रेंड्स, यह भी यहाँ पर दिख रहा है एक बड़ा है और एक छोटा है, यह भी गलत हो जाएगा, यह भी बिल्कुल गलत जवाब निकल के आ जाएगा। अगर बात करते हैं डी में, तो डी में भी देख रहे हैं ऊपर वाले में फ्रेंड बात करेंगे, तो यहाँ पर जो है एक बड़ा है और एक छोटा है, तो यह भी बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। तो यह सेम टू सेम किस में दिख रहा है, हम कहेंगे यहाँ पर भी छोटा है और एक छोटा है, तो यहाँ पर भी एक छोटा है और एक छोटा है, तो यहाँ पर सेम टू सेम दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हम कहेंगे यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आता है, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है वह है फ्रेंड्स, यह कोडिंग का है, कोडिंग डिकोडिंग का यह प्रश्न। जैसे दिया गया है, एक निःशुल्क कूट भाषा में फ्राइडे को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो मोस्टली को इस प्रकार से लिखते हैं, तो बताना है गिनर को किस प्रकार से हम लिखेंगे। अगर बात करते हैं फ्रेंड फ्राइडे को, अगर हम यफ से जाते हैं के में, तो यहाँ से यफ होता है 6 पर और के होता है 11 पर, तो हम कहेंगे 6 और 5 11 हम ऐड कर रहे हैं। अगर हम यही लॉजिक लगा दें 8 से 8 टी में, तो 8 से अगर हमको टी में जाना हुआ फ्रेंड, तो आर होता है, बात करते हैं आर होता है 18 पर और टी होता है 20 पर, तो यहाँ पर प्लस का 2 हो रहा है। आगे देखते हैं, आई है 9 पर और 8 है, यहाँ पर माइनस का 1, तो इसमें लॉजिक हमको कुछ ही बनी नहीं रहा है, लॉजिक कुछ बनी ना। अब देखते हैं यफ से हम अंत वाले पे, तो यफ से यफ हो गया, प्लस का 1 हो गया, और आर से सी में जाते हैं, तो आर से सी आप बहुत ज़्यादा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर लॉजिक कैसा बन रहा है हमारा। लॉजिक हम अगर लॉजिक की बात करते हैं, यफ आर आई डी ए वाई, या किस प्रकार से लॉजिक बन रहा है, हम कहेंगे इसको पहले 3 में तोड़ते हैं और इसको 3 को क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस करने पर यहाँ पर आई है, तो आई से हम क्या बनाना है, के बनाना है, तो आई होता है 9 पर, 9 से हमको के बनाना है। अगर हमको 9 से के बनाना है, तो 9 3 12 9 2 11, तो यहाँ पर 2 आएगा प्लस का 2 क्या आएगा 11, यहाँ पर के आने वाला है। और क्या लिखा गया, टी लिखा गया, आर है फ्रेंड्स 18 पर और टी है 20 पर, तो यहाँ पर भी प्लस का 2 किया गया है। यफ होता है 6 पर और 6 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 8 निकल के आएगा, यच आएगा, तो यच दिया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसे ही हम यहाँ पर भी लगा देंगे, ए है यहाँ पर, ए हो जाएगा, ए में 2 जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 3 निकल के आएगा, सी हो जाएगा, और वाई है वाई में 2 जोड़ेंगे तो ए निकल के आएगा, डी है डी होता है 4 पर, अगर 4 में हम 2 जोड़ेंगे तो 6 निकल के आएगा। देख रहे हैं के टी एच ए सी एच या सी एफ ऐसे ही दिख रहा है यहाँ पर, तो यही लॉजिक हम इसमें लगा देंगे। गिनर को हम तीन पार्ट में तोड़ लेंगे, और तीन पार्ट तोड़ने के बाद इसको हम क्रॉस कर देंगे, क्रॉस करने पर और प्लस का इसमें 2 जोड़ देंगे, क्रॉस करने पर प्लस का 2 जोड़ देंगे। अगर हम प्लस का 2 जोड़ते हैं, तो जैसे यन है, यन में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो यन 14 पर 14 2 16 16 पर पी आता है, पी हो जाएगा। तो पी के बाद अगर आई की बात करते हैं, आई होता है फ्रेंड्स, हम आई की बात करते हैं तो आई होता है 9 पर, 9 और 2 करेंगे तो 11 निकल के आएगा, क्या आएगा। और जी की बात करते हैं, जी होता है फ्रेंड्स 7 पर, 7 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 9 निकल गया, आई हो जाएगा। और आर होते हैं, आर होता है फ्रेंड्स 18 पर, 18 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 20 पर टी आएगा। ई होता है फ्रेंड्स 5 पर, अगर 5 में हम 2 जोड़ते हैं 7 निकल गया, 7 पर क्या होता है, जी होता है 7 पर, 7 और 2 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 पर आई आएगा। तो पी के आई इसमें यह गलत हो जाएगा। और उसके बाद आई मतलब पी के आई टी जी आई या सेम टू सेम ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है फ्रेंड टी जी आई, तो हम कहेंगे यह ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता है मित्रों, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है यह है सिमिलर सेट का प्रश्न। किसका है, सिमिलर सेट का प्रश्न होने वाला है। सिमिलर सेट का प्रश्न या कैसे लॉजिक है, जैसे यह 2 संबंध इसमें दिया गया वही संबंध इसमें भी दिया रहता है, और इसमें से वही विकल्प चेक करना है जो इसमें यही संबंध लागू होता है
होता है। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से हम 17 से 29 या कैसे बनाया गया है, अगर हमको 17 से 29 बनाना हुआ तो इसमें हमको प्लस का 12 ऐड करना पड़ेगा, प्लस का 12 ऐड करना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 17 में अगर 12 जोड़ते हैं तो 29 निकल जाएगा। इसी प्रकार से अगर 24 में हम 12 जोड़ते हैं फ्रेंड्स, तो 24 में 12 जोड़ते हैं 4 2 6 और 2 1 3 36 निकल के आ जाएगा। तो 46 कैसे बना फ्रेंड्स, तो 46 कैसे बना है, 46 में अगर 17 में हम 29 को जोड़ते हैं तो 9 7 16 और 2 1 3 2 1 3 1 4 46 निकल के आएगा। अगर देखते हैं यही लॉजिक इसमें काम करता है तो 24 प्लस 36 देखते हैं तो 6 4 10 3 2 5 1 6, तो यह सेम टू सेम लॉजिक मिल गई हमको, इसमें भी काम कर रही है। तो हम कहेंगे पहले क्या किया, अगर सेकंड बनाना हुआ हमको तो सेकंड बनाने हुआ अगर फर्स्ट से तो फर्स्ट वाले में हम 12 को जोड़ देते हैं तो सेकंड वाला बन जाएगा। अगर थर्ड वाला बनाना हुआ तो थर्ड वाले फर्स्ट और सेकंड को हम जोड़ देंगे तो थर्ड वाला बन जाएगा। तो देखते हैं 9 1 10, यहाँ पर अगर 9 1 10 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 0 आने वाला था, मगर यहाँ पर 0 नहीं है, गलत हो जाएगा। और 6 6 12 यहाँ पर 2 आएगा तो यहाँ पर 1 दिया गया। इकाई के अंक से हम जा रहे हैं जोड़ने पर, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड मिलाकर वहाँ पर थर्ड बन रहा था, तो वही लॉजिक हम इसमें भी लगा रहे हैं। अगर हम 8 में 2 जोड़ते हैं तो 10 आएगा, यहाँ पर मगर दिया गया 8 दिया गया, तो या तो गलत हो जाएगा या भी। अगर इसमें जो होते 3 1 4 तो 4 दिया गया यहाँ पर, और 3 2 5 5 दिया गया यहाँ पर, तो 5 दिया गया, तो आप तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसमें हम 12 जोड़ते हैं तो 12 2 1 3 और 2 1 3 3 आएगा 33। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। सेम टू सेम वही लॉजिक है, वही लॉजिक इसमें भी काम कर रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी जैसे सही आता है फ्रेंड, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, वह दिया गया है अगर 1/97 अनुपाते 1/63 समानुपाते 1/114 अनुपाते, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है कि क्या आने वाला है। तो अगर हम 97 में से 63 को बनाना हुआ तो हम कैसे बनाएंगे, अगर हम 7 में से 4 को घटाते हैं फ्रेंड तो 3 निकल जाएगा, 4 घटा दिए। अगर हम 9 में से 3 को घटाते हैं तो कितना निकल गया फ्रेंड, 6 निकल गया, 3 घटा 34 घटा दिए हैं। अगर यही लॉजिक इसमें भी काम कर रहा है, अगर हम इसमें से 24 घटाते हैं फ्रेंड तो क्या निकल गया, अगर 9 में से 4 गया तो 5 आएगा, 8 में से 3 गया तो 5 आएगा। तो ऐसे ही लॉजिक हम यहाँ पर भी लगा देंगे, क्या घटा देंगे, इसमें 34 घटा देंगे, तो जैसे इसमें से -34 घटाएंगे हम फ्रेंड तो 0 आ जाएगा, और 11 में से 3 चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो 1/80 निकल के आ जाएगा इसका सही जवाब। तो 1/80 किस में दिख रहा है फ्रेंड, हम कहेंगे 1/80 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है मित्रों, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वह दिया गया ड्यून, और इस प्रकार से उसको कोडिंग किया गया है, ड्यून का कोड इस प्रकार से है और नीड का कोड से जो है वह इस प्रकार से दिया गया है। पहले हम गिन लेते हैं इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4, 4 पदों से मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पद बनाया गया, 4 पदों से मिलाकर 8 पद बनाया गया है। हम कहेंगे कि 1 पद से 2 पद बनाए गए हैं। अगर हम देखते हैं डी से बी बनाया गया है और जी बनाया गया है, बी बनाया गया है और जी बनाया गया है। अगर हम डी से बी बनाते हैं तो डी होता है 4 पर और बी होता है 2 पर, तो बी में से अगर 2 घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, अगर हम इसमें से 2 घटाएंगे, सॉरी इसमें हम 2 जोड़ देते हैं, 2 जोड़ने पर क्या रहा है, 2 जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर 2 आ रहा है, बी में 2 जोड़ने पर डी आ रहा है। अगर हम डी में से अगर हम जी बनाना है तो यहाँ पर प्लस का हमको 4 है, 4 में 3 जोड़ना पड़ेगा, 2 और 3 जोड़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे ही देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम यस में अगर यस होता 19 पर, अगर हम 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, 21 में से अगर हम 21 में 2 जोड़ते हैं तो 21 में 3 जोड़ते हैं तो 21 और 3 तो 24 निकल के आ रहा है। तो ऐसे ही देख रहे हैं, अगर हम इसमें लॉजिक लगा देते हैं किंग में, तो किंग में अगर हम लॉजिक लगाएंगे फ्रेंड्स तो किंग में से अगर हम 2 घटाते हैं तो के होता है 11 पर, तो आई आएगा, आई आएगा। उसके बाद किंग में के में हम 9 3 जोड़ते हैं तो 11 और 3 करेंगे तो 14 निकल के आएगा, 14 पर क्या था एन होता है, तो आई एन जिसमें दिखेगा फ्रेंड्स तो वही इसका सही जवाब निकल के आएगा। विकल्प में से हम चले जाएंगे अब, और चेक करने की जरूरत, जब विकल्प में ही दिख रहा है आई एन सिर्फ एक ही ऑप्शन में तो और चेक करने की क्या जरूरत है, और सब गलत हो जाएंगे। तो आई एन सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही जवाब यहाँ से निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है फ्रेंड्स, यह है होमवर्क का प्रश्न है, होमवर्क का प्रश्न है। जैसे दिया गया है 21 लड़कियों की एक पंक्ति में मोनिका 4 स्थान दाएं को खिसकती है तो वह बाएं छोर से 9वें स्थान पर हो जाती है। तो दाएं छोर से पंक्ति में उसकी पूर्व से स्थित ज्ञात कीजिए,
पूर्व से स्थिति ज्ञात करें। तो ऑप्शन एक है 14 है, ऑप्शन बी है 10 है, ऑप्शन सी 11 है, या ऑप्शन डी 12 निकल के आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन को यहाँ पर सही करेंगे आप, उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो धन्यवाद दोस्त, आपको बताना है कि आप 15 में से कितने का सही जवाब दिए, आपका स्कोर क्या रहा 15 में से आज का। तो इसको स्कोर को जरूर बताइएगा फ्रेंड्स।